नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी उदयपुरी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम साबुत लहसुन को कैसे साल भर तक स्टोर किया जाए ये हम बताएंगे। ये साबुत लहसुन है, इसको हम स्टोर करना बताएंगे। हमारे पास साबुत लहसुन है, इसे हमें कैसे स्टोर करना ये हम बता रहे हैं। तो इसे लहसुन को हमें सबसे पहले बढ़िया अच्छी तरह से सूखने देना है। ये इस तरह से पूरा लहसुन सूख चुका है। इसके बाद इसमें जो खराब कलियों वाला लहसुन है उसे हमें निकाल देना है। उसे हमें स्टोर करने के लिए नहीं लेना है। हमें चाहिए मिट्टी का बर्तन, कोई भी मिट्टी का बर्तन हो, पुरानी मटकी हो, वह मिट्टी का होना चाहिए। जिस तरह से हमारे पास ये दो बर्तन है, एक यह है और एक दूसरा यह बर्तन है, तो हम इसमें पुरानी मटकी भी ले सकते हैं। तो सब और इसके बाद हमने यहाँ राख ली है, जो हम चूल्हे में लकड़ी जलाते हैं उसके बाद जो बची हुई राख होती है वह राख है। ये इस तरह से राख है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसी मटकी लेनी है। मटकी में सबसे पहले हमें राख को इस तरह से डालना है, थोड़ा से फैला लेना है। इसके बाद हमें इस तरह से लहसुन को डालना है। इसे पूरी तरह से हमें वापस ढकना है राख से ही। फिर इसके बाद हमें वापस लहसुन डालेंगे इसी तरह से। हमें पूरी मटकी में इस तरह से लहसुन को जमा देना है। फिर वापस हम इसे राख से पूरी तरह से ढक देंगे तो हमारा लहसुन ये साल भर तक खराब नहीं होगा। इस तरह से हमने इसे पूरा ढक दिया लहसुन को। इसके बाद हमें मिट्टी के ढक्कन से ही इसे ढकना है। इस तरह से हमारा लहसुन पूरे साल भर के लिए स्टोर हो जाएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में बेल बटन को जरूर दबाएं। नमस्कार।